क्लास फोर सब्जेक्ट जी के चैप्टर 10 इंडियन नोबेल लॉरेट्स। कुछ यहाँ पे इंडियन नोबेल लॉरेट्स दिए हुए हैं जो इंडिया में हमारे नोबेल प्राइज़ पाए हुए पुरस्कार विजेता हैं। सो हियर इज़ द गिवन द पिक्चर ऑफ सम ऑफ द इंडियन नोबेल लॉरेट्स आर गिवन बिलो। आइडेंटिफाई एंड राइट देयर नेम्स in the blank provided. You may use the help box. यहाँ पे कुछ pictures दिए हुए हैं Nobel Prize जिन्होंने पाया है, किस किस sectors में पाया है उनके name, और यहाँ पे आपका दिया हुआ है help box, और यहाँ help box में आपको दिया हुआ है, यहाँ आप help box लेके, यहाँ आपका help box है, हेल्प बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ हेल्प बॉक्स लेके हेल्प बॉक्स से नेम आपको चूज़ करना है, और कौन से सेक्टर में नोबेल प्राइज़ पाया उनके नेम लिखने हैं। फर्स्ट यू सी हियर इज़ अ नोबेल प्राइज़ फॉर द लिटरेचर। लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ पाया था 1913 में किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। हु इज रविन्द्रनाथ टैगोर फॉर लिटरेचर। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज पाया था। एंड सेकेंड इज नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। नोबेल प्राइज फिजिक्स के लिए किसने पाया था, 1930 में सी वी रमन ने फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज पाया था। थर्ड इज़ नोबेल प्राइज़ फॉर द मेडिसिन। 1968 में किसने पाया था, हरगोबिंद। यहाँ पे आपको इन लोगों के पूरे नेम मिल जाएंगे, किसने क्या, हरगोबिंद खुराना। यहाँ पे हरगोबिंद खुराना हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ पाया था फॉर मेडिसिन के लिए। तो यहाँ पे इनके पूरे नेम आपको अच्छी तरह से ब्रैकेट में हेल्प बॉक्स से आप वहाँ पे लिख सकते हैं और लर्न करना विद है स्पेलिंग। एंड नोबेल प्राइज़ फॉर पीस, शांति के लिए किस नोबेल प्राइज़ किसको मिला था, 1979 में मदर टेरेसा ने 1979 में पीस के लिए नोबेल प्राइज़ पाया था। एंड फिफ्थ इज नोबेल प्राइज़ फॉर द फिजिक्स। एंड वन मोर हियर इज़ इन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, 1913 में सीवी रमन ने पाया था। 1930 में नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के लिए सीवी रमन ने पाया था, बट सेम एज नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स 1983 में एस चंद्रशेखर ने पाया था। एस चंद्रशेखर हियर इज़ अ गिवन अ स्पेलिंग। एंड सिक्स नोबेल प्राइज़ फॉर द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ किसने पाया था, अर्थशास्त्र के लिए, 1998 में अमर्त्य सेन, इनका नाम था अमर्त्य सेन। हियर इज़ अ गिवन अ जी अमर्त्य सेन। नेक्स्ट एंड लास्ट सेवन इन इज नोबेल प्राइज़ फॉर द केमिस्ट्री 2009 में केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज़ किसने पाया था। तो यहाँ पे आपके नेम दिया हुआ है वी राम कृष्णन, यहाँ पे इनके नेम दिए हुए हैं सी पे वी राम कृष्णन, और यहाँ पे इनके नेम है जिन्होंने पाया था नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री 2009 में। देन लुक हियर स्टूडेंट, ओके, देन नेक्स्ट इज चैप्टर 11 सिंबल्स। कुछ सिंबल्स होते हैं हर जगह के, तो यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं और ये हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये सिंबल्स किस ऑर्गेनाइजेशन के हैं या किस कहाँ के ये सिंबल्स हैं। सिंबल्स अवर सराउंडिंग्स, हियर आर सिंबल्स ऑफ सम लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन, कैन यू आइडेंटिफाई देम।
यूज द हेल्प बॉक्स ऑफ क्ल्यू, यहाँ पे कुछ क्ल्यू दिए हेल्प बॉक्स के, अवर सराउंडिंग सिंबल्स अवर सराउंडिंग। सो फर्स्ट स्कॉटेड लिमिटेड, ये जो आपका है ये स्कॉटेड लिमिटेड एक कंपनी है, स्कॉटेड लिमिटेड वहाँ का ये सिंबल्स है। एंड सेकेंड इज टाइटन, ये सिंबल जो है टाइटन का है, ये सिंबल टाइटन का है। एंड थर्ड इज रिलायंस, ये जो सिंबल है ये रिलायंस का है। एंड फोर्थ इज भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड का ये सिंबल है, लुक हियर केयरफुली। एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC जिसको हम लोग बोलते हैं, LIC का ये सिंबल है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। एंड सिक्स इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सिंबल्स है। एंड नेक्स्ट इज सेवन इज मारुति सुजुकी, जो कोई भी आप देखते हैं फोर व्हीलर या कोई भी मारुति सुजुकी की जो कंपनीज है जो अपनी बाइक्स निकालती है या कोई भी चीज़ निकालती है, तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे मारुति सुजुकी का ये सिंबल्स है। एंड नेक्स्ट इज हीरो होंडा का सिंबल्स हियर इज अ सिंबल ऑफ हीरो होंडा। एंड टाटा सिंबल इज हियर। एंड लुक हियर स्टूडेंट, हियर इज अ गिवेन अ हेल्प बॉक्स ऑल्सो, हियर इज अ हेल्प बॉक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हीरो होंडा, भारत संचार निगम लिमिटेड, स्कॉटेड लिमिटेड, मारुति सुजुकी, टाइटन, रिलायंस, टाटा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ही हैज गिवन एवरी क्लू फॉर यू, फॉर योर हेल्प, ओके, यू कैन से ऑल्सो हेल्प बॉक्स, लाइक योर हेल्प बॉक्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप ये हेल्प बॉक्स यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ये आपका एक मॉडल पेपर है, मॉडल टेस्ट पेपर, यहाँ पे दिया हुआ मैच द फॉलोइंग्स, ऑस्ट्रिच बेटेस्ट प्लेस इन इंडिया, डिस्कवर ऑफ न्यूजीलैंड, सेनेस्ट्रो, वास्को डी गामा। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिच क्या है, ऑस्ट्रिच आपका फ्लाइटलेस बर्ड है, इसे मैच करेंगे, फ्लाइटलेस बर्ड है। वेटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, वेटेस्ट प्लेस इंडिया का क्या है, मोजिनरम है। एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के एबल जे टेस्टमैन। एंड सिनेस्ट्रो, कॉमिक बुक ऑफ सुपर विलियंस। एंड वास्को डी गामा ने किसकी खोज की थी, इंडिया की, तो किसको डिस्कवर किया था, इंडिया को। तो ऐसे ही आपके सर्कल द ऑथ्स हैं, आपको सर्कल करना है, सर्फिंग, रिवर राफ्टिंग, क्रिकेट, हैंग ग्लाइडिंग। तो सर्फिंग ये सब एडवेंचर स्पोर्ट है, क्रिकेट आपका ये है, मिनेस्ट्रो, रेड स्कल, सलमान खान, सिनेस्ट्रो, तो ये सब आपके कॉमिक बुक हैं, सलमान खान आपका हीरो, जिराफ, काउ, डॉल्फिन, टाइगर, ये सारे आपके लैंड एनिमल हैं और ये आपका सी एनिमल है। सो यू कैन डू सर्फिंग, रिवर राफ्टिंग, क्रिकेट, हैंड ग्लाइडिंग, तो क्रिकेट होगा क्योंकि ये डिफरेंट है, बाकी सब एडवेंचर स्पोर्ट है, मिनेस्ट्रो, रेड स्कल, सलमान खान, सिनेस्ट्रो, तो आपकी ये तीनों क्या हैं, कॉमिक बुक के हैं, सुपर विलियंस हैं और ये सलमान खान हीरो है। जिराफ, काउ, डॉल्फिन, टाइगर, ये सब लैंड है और ये क्या है, वाटर एनिमल है। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आप करिएगा, ट्रू और फॉल्स करिएगा, रिकॉग्नाइज दिस पिक्चर एंड राइट दियर नेम इन द स्पेस प्रोवाइडेड हिंट और आर गिवेन इन अ जबल लेटर। यहाँ पे सर्फिंग है, इसको सही करना है, रीअरेंज करना है, सर्फिंग, पैंगविन, माउंट रुस्मर एंड ये क्या है, गैलेक्टस, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट बर्ड पजल्स, हियर इज अ गिवेन अ बर्ड पजल्स, लुक हियर,
फर्स्ट इज यू लुक हियर, ये इधर ऐसे आएगा हमिंग बर्ड. एंड सेकेंड इज वेर इज दिस इज अ हमिंग बर्ड. एंड सेकेंड इज यू नो वेर इज अ सेकेंड इज हियर सेकेंड इज हियर कुकू. एंड थर्ड इज हियर पैंगविन. फोर्थ इज हियर कीवी. फिफ्थ इज हॉर्न बेल. एंड सिक्स इज स्टेलर बर्ड. And seventh is where is seventh? Seventh is magpie. And eight is puffin. And nine is owl. And ten is woodpecker. पूरा यहाँ से यहाँ तक ये woodpecker. So here is a given some birds. सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल्स. ये पजल्स हमको सॉल्व करना था. तो यहाँ पे कुछ बर्ड्स दिए हुए थे और यहाँ पे आप ये नंबरिंग कर लीजिएगा. फर्स्ट नंबर हमिंग बर्ड्स. अ बर्ड दैट फ्लाई बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. विच बर्ड? पहला हमिंग बर्ड. एंड सेकेंड अ बर्ड दैट मेक्स अ नेक्स्ट इज अ हॉलो ट्री. जो खोखले ट्री हो सॉरी अ बर्ड दैट ले एग्स इन द नेक्स्ट ऑफ अदर बर्ड. अपना एग्स दूसरे के नेक्स्ट में रखती है. तो विच बर्ड? सेकेंड इज कुकू. एंड थर्ड इज सी बर्ड्स दैट यूजेज इट्स विंग्स फॉर द स्विमिंग एंड नॉट फॉर फ्लाइंग. वो बर्ड जो अपनी विंग्स को पंख को सी में स्विमिंग करने के लिए यूज करती है ना कि उड़ने के लिए. तो विच बर्ड? दिस इज अ पेंगुइन. थर्ड इज पेंगुइन. नेक्स्ट फोर्थ अ फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड इन न्यूजीलैंड. विच बर्ड इज फाउंड इज न्यूजीलैंड? दिस इज अ कीवी. कीवी इज फोर्थ इज हियर इज अ कीवी. तो गिवन हियर इज अ नंबर एंड अ बर्ड दैट मेक्स अ नेक्स्ट इन अ हॉलो ट्री. विच बर्ड इज मेक्स नेक्स्ट इन अ हॉलो ट्री? विच बर्ड? हॉर्नबिल. And six, a bird that stitches a nest with leaves and twigs. Six is which bird? Tailor bird. And seventh is a bird that steal bright objects. Is seven. Seven which bird is? Magpie. And eight is a bird that lives in the burrow. Birds that lives in burrow. This is which bird? This bird is puffin. Puffin's bird. And nine is a bird with great eyes and ears and prays at night. Which bird? This bird is owl. And a bird that can make hole in tree with its beak. Which bird is hole? Woodpecker. Tree में कौन hole कर लेती है? Woodpecker. इसका नाम भी woodpecker है. Okay students, you understand.
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर 13, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. विच इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड? हियर इज सम लार्जेस्ट: एयरपोर्ट, बैंक, डोम, डोम मीन्स होता है गुंबद, एपिक एंड एग्जीबिशन सेंटर, होटल, लाइब्रेरी, मॉस्क्यू, म्यूजियम, न्यूज़पेपर, सर्कुलेशन, पैलेस, पोर्ट, रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म, स्टेडियम, रेडियो टेलीस्कोप एंड टेम्पल. सो विच इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड? ये सब लार्जेस्ट है, ये सारी चीज़ें लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड में, वर्ल्ड में सबसे बड़े बड़े जो हैं वो दिया हुआ है कि सबसे बड़े एयरपोर्ट कौन है, बैंक कौन है, डोम कौन है, एपिक कौन है, एग्जीबिशन सेंटर कौन है, होटल कौन है, सारी चीज़ें यहाँ पे लार्जेस्ट दी हुई है. तो फर्स्ट वी नो एयरपोर्ट. विच इज़ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट? फर्स्ट लार्जेस्ट एयरपोर्ट नेम इज वर्ल्ड लार्जेस्ट, नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट. विच इज़ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड? किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दमन, सऊदी अरब. किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दमन, सऊदी अरबिया. ये सऊदी अरब में है, हिंदी में हम लोग सऊदी अरब बोल सकते हैं, बट इन इंग्लिश किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दमन, सऊदी अरबिया. एंड विच इज़ द लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड? डैश बैंक, एजी, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी. इट्स अ प्रोनाउंसिएशन लाइक इन अ जर्मन लैंग्वेज. सो यू लुक हियर दिस वे, डैश बैंक, एसी, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी. एंड लार्जेस्ट डोम, लुशियाना सुपर डोम, न्यू ऑर्लींस, यूएसए में है. बैंक कहाँ है? जर्मनी में है. और डोम कहाँ है? यूएसए में है. एंड लार्जेस्ट एपिक सबसे लार्जेस्ट कौन है? महाभारत, यू नो वेरी वेल. एग्जीबिशन सेंटर, प्रदर्शनी सेंटर जो होता है, इंटरनेशनल एक्सपोजिशन सेंटर, क्लेवलैंड, ओहियो, यूएसए, ये भी यूएसए में. होटल, लार्जेस्ट होटल इन द वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड होटल, मलेशिया में फर्स्ट वर्ल्ड होटल है. लाइब्रेरी, वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, वॉशिंगटन डीसी. एंड मॉस्क्यू, मस्जिद अल हराम, मक्का सऊदी अरबिया. आपने सुना होगा ना मक्का मदीना का ना, तो मस्जिद अल हराम, मक्का, सऊदी अरबिया. म्यूजियम, लार्जेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड, हर्मिटेज म्यूजियम, सैंड पीटर्सबर्ग, रसिया, पीटर्सबर्ग, रसिया. हर्मिटेज म्यूजियम, सैंट पीटर्सबर्ग, रसिया. एंड न्यूज़पेपर इन सर्कुलेशन, कहाँ से न्यूज़पेपर सर्कुलेशन, जो सबसे लार्जेस्ट वर्ल्ड में, योमियूरी, सिम्बु, जापान. योमियूरी सिम्बुन, योमियूरी सिम्बुन, जापान. ओके स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट पैलेस, महल, इस्ताना, नूरुल, इमान, ब्रुनेई. इस्ताना, नूरुल, इमान, ब्रुनेई. एंड पोर्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड, पोर्ट ऑफ सिंगापुर, इन अ सिंगापुर. नेम इज़ पोर्ट ऑफ सिंगापुर एंड नेम इज़ ऑल वेर इज इन अ सिंगापुर. एंड रेलवे स्टेशन, विच इज़ द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड, ग्रैंड सेंटर टर्मिनल, न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए, न्यूयॉर्क में
रेलवे स्टेशन एंड रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर वेस्ट बंगाल इंडिया 838 मीटर एंड स्टेडियम लार्जेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड स्ट्रोहो स्टेडियम प्रैगवी द जेच रिपब्लिक एंड रेडियो टेलीस्कोप गैंट मीटर वेव रेलवे स्टेशन जैन मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप एट द कोडाक नियर पुणे पुणे के पास है एंड टेम्पल विच इज़ द लार्जेस्ट टेम्पल अंगकोर वॉट कंबोडिया विच इज़ द लार्जेस्ट टेम्पल अंगकोर वॉट कंबोडिया हियर इज़ अ गिवन अ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस पिक्चर ऑफ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एंड पिक्चर ऑफ अंगकोर वॉट टेम्पल एंड स्थान एंड गिवेन स्थान न्यूरे इमान ब्रुनेई हियर इज अ गिवेन पैलेस महल एंड नेक्स्ट स्थान न्यूरल इमान ब्रुनेई एंड नेक्स्ट इंडियाज फेमस musician here is a given a some musician name who is famous kon famous hai jo unke name yahan pe diye hue hain here are some famous musician of india they are known all over the world aise india ke musician famous hain jo pure world mein jane jate hain for classical music draw lines to match the musician which the instruments they play उनके जो भी यहाँ पे म्यूजिशियंस दिए हुए हैं पिक्चर उनके फेमस इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं वो फेमस किस इंस्ट्रूमेंट से फेमस हैं उनके इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे हम लोगों को मैच करना है तो हियर इज अ पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हियर इज अ गिवेन अ पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पंडित हरिप्रसाद चौरसिया इज अ फेमस फॉर फ्लूट एंड उस्ताद अजमत अली खान उस्ताद अजमत अली खान इज अ फेमस फॉर सरोद एंड थर्ड इज उस्ताद बिस्मिल्ला खान उस्ताद बिस्मिल्ला खान इज अ फेमस फॉर सहनाई एंड उस्ताद जाकिर हुसैन उस्ताद जाकिर हुसैन इज अ फेमस फॉर तबला सो दिस फेमस म्यूजिशियन एंड देयर and which instrument he play कौन से instrument के लिए famous है उनके बारे में यहाँ पे है and next is developing good personality how to develop good personality apart from getting good grades we need to perform well in every sphere of life we must develop our personality to be successfully in life recognize the following activity that help you in developing your personality you may see the help box yahan pe help box mein aapko diya hua hai yahan pe help box mein diya hua hai kaun kaun kya kya cheeze hum log अच्छे से करके अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं हम अच्छे इंसान बन सकते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट रीडिंग बुक एंड सेकंड पार्टिसिपेट अगर हम लोग बुक रीडिंग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे जिससे हमारी पर्सनालिटी डेवलप होगी एंड पार्टिसिपेट इन को करिकुलर एक्टिविटी किसी भी को करिकुलर एक्टिविटी में लाइक स्टेज पे हम लोग म्यूजिक स्टेज पे डांस और बहुत सारे गेम्स कुछ भी हम लोग पार्टिसिपेट करके हम लोग को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं एंड थर्ड इज़ प्लेइंग इन अ ग्राउंड ग्राउंड में प्ले करने से हम फिट रहेंगे और हमारी पर्सनालिटी हम लोगों में एक एक साथ रहने की क्वालिटी डेवलप होगी
हाउ टू डेवलप आवर पर्सनैलिटी इन अ फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड सर्कल विथ अ फ्रेंड सर्कल हाउ टू ग्रो, हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे फ्रेंड्स में बात करते हैं, कैसे लोगों के बीच रहना चाहिए, सारी चीज़ें हम लोगों को गेम से बहुत सारी पर्सनैलिटी ऐसे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है. एंड नेक्स्ट फोर्थ इज ज्वाइनिंग हॉबी क्लासेस. हॉबी क्लासेस ज्वाइन करके, जैसे हमें जिस चीज़ में हॉबी मेरी है, जिस चीज़ जो मुझे पसंद है, जैसे पढ़ना लिखना, ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग, सिंगिंग, डांसिंग, जो भी हॉबी क्लासेस हम लोग ज्वाइन करके अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं. फिफ्थ इज हेल्पिंग पेरेंट्स. हम लोग अपने पेरेंट्स की हेल्प करके, पेरेंट्स की घर के वर्क में या किसी भी वर्क में जो पेरेंट्स उनकी हेल्प करके हम अपनी अच्छी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं. एंड दीज आर Here is a given a help box. Here is a we take to here a reading book. So here is a given a D reading book. So here is a reading book. Second is participate in a co-curricular activity. So C participate in a co-curricular activity and playing in the ground. So B playing in the ground. And next joining hobby classes. E joining hobby classes. And fifth is helping parents. The helping parents is fifth. So we can do this type of activity, we can grow our personality. Famous character, here is a given a some famous character have some कैरेक्टर हैव बिकम्स वेरी पॉपुलर. कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो बहुत पॉपुलर होते हैं, जो बहुत फेमस होते हैं. गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम फेमस कैरेक्टर्स, नेम देयर क्रिएटर्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स. यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे हेल्प बॉक्स भी आपको दिया हुआ है. यहाँ पे ये हेल्प बॉक्स है, हेल्प बॉक्स से आप ले सकते हैं. सो James Bond, Ian Fleming, and second is Sherlock Holmes, author, Canon Dogley, author Conan Doyle. And next Oliver Twist Charles Dickens. And here is Alice Lavis Carol. Spider-Man Stan Lee and Steve Ditko. And Harry Potter is J.K. Rowling. So here is some famous character name their create using the help box. तो यहाँ पे कुछ famous characters के नेम थे. And next is okay student, thank you.